किसान आजाद। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। आगरा में एक और युवक हुआ साइबर क्राइम का शिकार। कैरई निवासी मुंशीलाल साइबर क्राइम का हुआ शिकार। खाते से साइबर क्राइम अपराधियों ने निकाले 40,000। यह वारदात खाता धारक के साथ उस समय हुई जब मोबाइल रिचार्ज न होने पर पैसे वापसी के लिए ठगों ने मांगा OTP। खाता धारक ने 112 नंबर पुलिस पर की शिकायत। से वापसी के लिए प्रशासन से लगा रहा गुहार। देखते हैं संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। मुंशीलाल है, कहाँ रहते हैं आप? गांव केरई में जी। क्या हुआ है आपके साथ बताइए। रात को एक मेरे पास कॉल आया था, तो उसमें उसने एक लिंक भेजा था। लिंक के थ्रू उसने मेरे कैनरा बैंक से 5,000 रुपये निकाल लिए, और उसने उसके बाद में बोल रहा था कि आप अपना कोई कार्ड है तो कार्ड दे दो। तो मैंने उसका कार्ड दे दिया, कार्ड का नंबर, CVC नंबर और OTP भी बता दिया। कार्ड क्यों मांगा उसने आपसे? वो मेरा कुछ ऐसा था कि मैंने एक पेमेंट किया था अपना, एक फ़ोनपे में मोबाइल रिचार्ज कर रहा था अपना, तो पेमेंट फंस गया था। मैंने टोल फ्री नंबर पर कॉल किया था उसी फिर उसके बाद में उसने कॉल किया था, और मैंने कॉल पर उसे सारी चीज़ जानकारी दिला दी। तो उसने SBI क्रेडिट कार्ड से मेरा 40,000 रुपये निकाल दिए। उसके बाद मैंने ट्विटर पे और उससे 100 नंबर और 112 नंबर और UP पुलिस को ट्विटर से मैं कंप्लेंट डाल दी है। मैं कहीं ऑफिस जा नहीं सकता हूँ क्योंकि पुलिस का ज़्यादा हुआ है, और कोरोना वायरस की वजह से ऑफिस खुल नहीं रही हैं। इसके वजह से मैं सरकार से और अपने यहाँ क्षेत्रीय अधिकारियों से मदद चाहता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरी हेल्प की जाए। मैं किराए पर रहता हूँ, 40,000 रुपये निकाल गए, और मेरा बहुत बड़ा बात है कि मैं मरने से ज़्यादा हो गया मेरे लिए 40,000 रुपये निकालना। तो इसलिए मैं अधिकारी लोगों से, अपने से जितने भी हैं, सबसे हेल्प चाह रहा हूँ कि मेरा काम हो जाए, मेरे पैसे वापस आ जाएं। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।